अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हमारी मेड ने फिर छुट्टी कर ली थी, तो आज मैं लगा रही हूँ मोप। झाड़ू मैंने सारा दे दिया था और बेडरूम से भी सफाई कर ली थी अपनी, और भाई के बेडरूम से भी कर ली थी, और मोप सिर्फ मैंने जो है वो लिविंग रूम से लगाया था। स्कूल जाते हुए आज मेरी बेटी फरमाइश करके गई थी, मम्मा आज मैंने कड़ी चावल खाने हैं, तो फिर मैंने सफाई करके कड़ी चढ़ा दी थी, क्योंकि कड़ी पे बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है। तो फिर मैंने स्कूल लेने भी जाना था बेटी को, तो इसलिए फिर मैंने जो है पहले कड़ी चढ़ाई थी, और पकौड़े वगैरह का मैंने अमेज़ा भी बना दिया था। और जब हम खाने बैठे थे तो अचानक मुझे याद आया कि मैं इसकी वीडियो बना लूँ, तो इसलिए ये मैं आपको उसी वक्त ही दिखा रही हूँ। और कड़ी चावल मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा ही पसंद है, तो अक्सर ही मैं जो है उसकी फरमाइश पर बनाती रहती हूँ। और कड़ी चावल बहुत ही मज़ेदार बने हुए थे, और दोपहर के टाइम फिर हमने कड़ी चावल ही खाए थे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं गई थी कुछ थोड़ी सी शॉपिंग करके आई हूँ, तो मैंने कहा आपसे शेयर करूँ। शॉपिंग तो मैंने अपनी बहुत सारी की है, लेकिन जो मेरे प्रोडक्ट हैं, जो मैंने 2 प्रोडक्ट खरीदे हैं, तो वो मैंने कहा आपसे शेयर करती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपना फेस वॉश लेके आई हूँ, ये है लॉरियल का। हाँ जी, ये लॉरियल का फेस वॉश है, तो मैंने कहा ये भी मैं आपसे शेयर करूँ। तो इसे मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, फिर देखती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट है। तो ये मुझे आया है अराउंड 1400 का। तो ये हैवी सेंसिटिव स्किन के लिए है, और मेरी स्किन जो है ना बुखार की वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही थी और सेंसिटिव हो रही थी। तो मैंने सोचा कि ये वाला जो प्रोडक्ट है इसे यूज़ करती हूँ, फिर ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि इसका क्या रिजल्ट है। और ये गार्नियर का मिसलर वाटर लेकर आई हूँ, तो ये तो मैं एक दिन पहले लेके आई हूँ। ये देखिए, मैंने इतना यूज़ भी किया है, ये बहुत अच्छा है, और ये सेंसिटिव स्किन के लिए भी है। ये पिंक वाला, जो ब्लू वाला है वो यूज़ कर सकते हैं हर किस्म की टाइप वाली स्किन, लेकिन जिनकी सेंसिटिव स्किन है तो ये पिंक वाला यूज़ करें, और ये बहुत अच्छा इसका रिज़ल्ट है। अभी मैंने ये थोड़ा सा छोटा लिया है, तो मैंने इसे ट्राई करती हूँ ये कैसे निकलता है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है। ये फेस वॉश जो है मैं अब अप्लाई करूंगी, तो जैसे ही इसका मुझ पे अच्छा रिज़ल्ट आया तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ये कैसा है। ये है शाम का टाइम और मेरी बेटी को लग गई थी भूख, तो रेडीमेड पराठे मैंने लेकर रखे हुए हैं, तो उसे पराठा बना कर दे रही थी, और साथ में ही चिकन पॉपकॉर्न उसे फ्राई करके दे रही थी। जब से ये मैंने छोटी सी कढ़ाई ली है तो मुझे बहुत ज़्यादा ही सहूलत हो गई है, ये इस छोटे छोटे कामों के लिए तो बहुत ही अच्छी है। आजकल सर्दियां हैं तो दूध पिया नहीं जाता शाम के टाइम, क्योंकि बच्चों को तो गर्म दूध पसंद नहीं होता, और मुझे भी गर्म दूध इतना पसंद नहीं होता। गर्मियों में फिर भी मैं दूध पीती हूँ, क्योंकि मुझे ठंडा दूध पसंद है। तो अब जैसे ही शदीद सर्दी शुरू हुई है तो ये दूध जो है वो बच रहे हैं, तो मैंने कहा ये ख़राब ना हो जाए, तो इसे भी दोबारा बॉयल कर लूँगी मैं दूध को, और बेटी को देख के फिर उसके बाद चलते हैं अम्मी के रूम में और देखते हैं कि अम्मी क्या कर रही हैं। और अम्मी इस वक्त जो हैं वो भाई के रूम में होती हैं, और वहीं पर बैठी होती हैं और मोबाइल पर बैठी होती है, तो देखते हैं अम्मी मोबाइल पर क्या देख रही हैं। तो चलते हैं अम्मी के पास और देखें जी, अम्मी इस टाइम जो है वो बैठी हुई हैं, क्योंकि चाय अभी हमने पी हुई है, और अम्मी जो हैं वो मोबाइल पर गेम खेल रही थी, और अम्मी को गेम में बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्ट होता है। अम्मी अपना मोबाइल देख रही हैं। अम्मी कामों से फारिग होकर गेम पर बैठती है, और अच्छी बात है अम्मी मसरूफ़ रहती हैं। और ये है जी नेक्स्ट डे, आज हम बना रहे हैं साग गोश्त, और साग गोश्त जो है वो अम्मी बना रही थी। गांव से आया हुआ था साग, और फिर हमने रख दिया था, हमने कहा था कि हम नेक्स्ट डे बनाएंगे। और जी फिर हमने बनाया था चिकन में, और वैसे तो ये मटन में भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन हमारे पास चिकन पड़ा हुआ था तो हमने चिकन में बनाया है।
और बहुत ही मज़ेदार बना था सरसों का साग। और जी इसके साथ हमारा दिल था कि चावल के आटे की रोटी बनाएं, लेकिन जो है चावल का आटा हमारे पास पड़ा हुआ नहीं था, तो फिर हमने गंदम के आटे की रोटी इसके साथ खाई थी, लेकिन वो भी बहुत ही मज़ेदार लगी थी सरसों के साग के साथ। और वैसे भी सरसों का साग एक ऐसी चीज़ है, अगर ये बच जाए तो इसे नाश्ते में खाएं तो और भी मज़ा देता है। अच्छा जी, यहाँ पर हम हो गए थे रेडी, मैं कहीं जा रही थी तो मैंने कहा था कि मैं वो वीडियो आपसे शेयर करूँगी, लेकिन फिर वहाँ पर मुझे मौका नहीं मिला। अम्मी भी मेरे साथ जा रही थी, अम्मी भी रेडी हो चुकी थी। और जी फिर हम आए थे तकरीबन शाम के टाइम, फिर आते साथ ही फिर हमने बनाई थी चाय, और अब हम बैठ कर चाय इन्जॉय कर रहे हैं। और साथ ही बहन आ गई थी, तो बहन आई हुई थी तो मैं सोच रही थी कि जल्दी जल्दी क्या बनाऊं, क्योंकि साग गोश्त बनाया था, तो बहन कह रही थी मैंने अभी नहीं खाना क्योंकि उसने भी उसी दिन साग गोश्त बनाया हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं मटर पुलाव बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि वो जल्दी भी बन जाता है और आजकल मटर जो है वो सीज़न भी है मटरों का। तो और वैसे भी जो मटर हैं वो निकले हुए थे, फ्रीज हुए हुए थे, एक दिन पहले ही निकाल कर फ्रिज में रखे हुए थे, तो जल्दी से फिर वो निकाल कर मैंने पुलाव की तैयारी कर ली थी। और वैसे भी मटर पुलाव बनता भी आसानी के साथ है, और साथ ही फिर आलू भी काट लिए थे, और बच्चे आए हुए थे तो बच्चे ये है कि उनको भूख भी लगी हुई थी, और हमारी ग्रोसरी भी उसी टाइम आई थी, बाकी अभी थोड़ी सी और भी करनी है, तो वो अभी हमने जो है ग्रोसरी करने जाना है, लेकिन ये कि थोड़े से जो है ग्रोसरी का सामान अभी पहुँच गया था। अब जी इस ग्रोसरी को भी साथ ठिकाने लगाऊंगी और साथ में ही पुलाव भी बना लूंगी। और जी इतनी देर में बहन कह रही थी कि आपकी तो ग्रोसरी फिर भी कुछ आ गई है, तो मैं भी जाती हूँ थोड़ी सी ग्रोसरी करके आती हूँ, क्योंकि मेरी बहन ने भी अभी तक अपने घर की ग्रोसरी नहीं की थी, तो वो फिर अपने हस्बैंड के साथ चली गई थी ग्रोसरी करने के लिए, और बच्चों को यहीं पर छोड़ कर गई थी, बच्चों को साथ लेकर नहीं गई थी। और बच्चे कह रहे थे खाला कि जल्दी जल्दी से पुलाव बनाओ, हमें भूख लगी हुई है। और जी सर्दियों के अपने ही मज़े होते हैं, किचन में भी दिल करता है कि कुकिंग करने का, और सर्दियों की सब्ज़ियाँ भी मज़ेदार होती हैं, और दिल करता है कि रोज़ ही हम वो सब्ज़ियाँ बनाएं, जैसे कि मुख्तलिफ डिशों के तौर पर, जैसे चाइनीज़ हो गई, तो सर्दियों की सब्ज़ियाँ ये है कि चाइनीज़ खाने बनाएं तो उनमें भी अच्छी लगती हैं, और पुलाव भी बहुत अच्छा लगता है मटर पुलाव, और मिक्स वेजिटेबल बनाओ तो वो भी बहुत अच्छी लगती है, उसमें भी सर्दियों की तकरीबन सारी सब्ज़ियाँ ही डलती हैं, जैसे गाजर, आलू, मटर और मूंगरे और फूल गोभी, तो सूखी मेथी और फ्रेश मेथी, तो उससे तो अलग-अलग ही टेस्ट आता है मिक्स वेजिटेबल का। पुलाव मेरा रेडी हो चुका है और अब खोलते हैं दम। और जी गरम गरम भाप उड़ाता हुआ मटर पुलाव, तो अब लगाते हैं खाना और खाते हैं पुलाव को। और साथ ही मैंने जल्दी जल्दी से सलाद भी काट ली, और सैलड मैंने बनाई थोड़ी सी थी, लेकिन वही कि सर्दियों की सब्ज़ियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, वो कच्ची बेशक सैलड के तौर पर हों, तो कैरेट काट ली थी, साथ में मूली का तो आजकल मौसम है, वो तो बहुत ही मीठी मीठी मूलियाँ आई हुई हैं और बहुत ही अच्छी लगती हैं। और फिर सब ने बैठ कर खाना खाया था, और बच्चों ने भी मटर पुलाव बहुत शौक से खाया था। और आप भी आ जाएं हमारे साथ गरम गरम मटर पुलाव जो है वो इंजॉय करें। बहन मेरी तो आई थी देर से, क्योंकि ग्रोसरी में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, ज़ाहिर सी बात है, तो इतनी देर में बच्चों ने भी खाना खा लिया था, फिर उन्होंने आकर खाना खाया था। और जी बहन मेरी फिर गई थी रात देर तक घर, क्योंकि रात लेट नाइट तक हम बैठे बातें करते रह गए थे, और वो भी हीटर के आगे, तो जब रूम भी गर्म हो तो फिर किसका उठने को दिल करता है। खैर जी ये था मेरा आज का व्लॉग जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इंशाल्लाह ताला आपको मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अब मैं चाहती हूँ इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।